मैं आपके सामने सुभाष चंद्र बोस के किस्से की रखूंगी कि जब सुभाष चंद्र बोस अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, अपने घर वापस आ जाते हैं, मेहरबानों अपने कमरे में लेटे हुए होते हैं, जब भी सुभाष चंद्र बोस के सपने में भारत माता आती है और भारत माता सुभाष चंद्र बोस को जगाती है कि बेटा उठ, खड़ा हो, तेरी भारत माता बहुत परेशान है। सुभाष चंद्र बोस कहता है कि आप कौन? भारत माता कहती है कि एक वो तेरी माँ है जिसने तुझे 9 महीने अपनी कोक में रखा, और एक मैं तेरी वो माँ हूँ जो आजीवन भर तुझे अपनी कोक में रखूंगी। और कैसे भारत माता सुभाष चंद्र बोस को जगाने लगी, क्या बताए रागनी में। और माता पिता और कुटुंब कबीला घर बार
सुभाष चंद्र बोस को एक बात समझाने लगी कि बेटा वो माँ तो सबर कर सकती है जिसके बेटे नहीं होते, और वो माँ सबर कैसे कर ले जिसके इतने सारे बेटे हैं और फिर भी तेरी भारत माता इतनी परेशान है। और दूसरी बात मैं कैसे समझा दिया, खुश होकर के हमारे गुरु तुल्य परम आदरणीय ज्ञानचंद महाशय जी जौनापुर से वो 1100 रुपए से हमारी पार्टी का सम्मान करते एक बार जोरदार तालियां साथियों बहुत बधाई करते हैं। समझाने लगे क्या बात बताई, हो तन्ने जगा बने
मन धने ते ओ तने मन धने ते मदद करेगा आजादी पे आ।